अपने पेरेंट्स से मिलने की आस में 8 साल की ये मासूम पिछले 5 सालों से चीन की सड़कों पर बेच रही है सब्जी। तो आइए जानते हैं इस मासूम की दुख भरी दास्ता के बारे में। यांग शुशिया दक्षिण चाइना के डोंगवान शहर के तैंगशिया कस्बे के लियानू नाम के एक छोटे से गांव में रहती है। गांव के सभी लोग उसे प्यार से माऊ माऊ बुलाते हैं। माऊ माऊ का जन्म 2 प्रवासी मजदूरों के घर हुआ था जो सिचुआन प्रोविनेंस के वेंचुआन शहर में रहते हैं। 10 मई 2008 को चुपचाप अपनी 1 महीने की बच्ची को 70 वर्षीय अपनी पड़ोसी हुआंग मेंगी के दरवाजे पर छोड़कर गांव से दूर चले गए थे। लोग प्यार से यांग को माऊ माऊ बुलाते हैं। उसने 2012 में 3 साल की उम्र से ही सब्जी बेचना शुरू कर दिया था। इस फोटो में माऊ माऊ उस बूढ़ी हुआंग मेंगी के साथ बैठी है। इन्होंने ही उसका अभी तक पालन पोषण किया है। रोज स्कूल के बाद माऊ माऊ सब्जी का अपना ठेला लगाने के लिए डोंगवान के लियानू की सड़क पर जाती हैं और सब सामान सेट करती हैं। इस मासूम को उम्मीद है कि जब उसके पेरेंट्स उसको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो उसे आसानी से मिल जाएंगे। हुआंग जो एक रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर हैं, तब से इस बच्ची की अपनी पोती की तरह ही देखभाल कर रही हैं। हुआंग और उनके पति माऊ माऊ का पालन पोषण करने के लिए एक छोटे से फॉर्म में सब्जियां उगाते हैं और उसको बेचते हैं। आपको बता दें कि इस दंपति का एक 27 वर्षीय बेटा भी है जिसे इन दोनों ने गोद लिया था और उसे भी उसके माता पिता साल 1988 में बेसहारा छोड़कर चले गए थे। हालांकि माऊ माऊ कभी अपने असली पेरेंट्स से नहीं मिली है, फिर भी वो हर दिन उनके बारे में सोचती है। 5 साल पहले माऊ माऊ ने अपनी दादी की सब्जियां बेचने में मदद करना शुरू कर दिया था। उनके पेरेंट्स 2008 में जब वो केवल 1 महीने की थी तब उसे हुआंग के दरवाजे पर छोड़ गए थे। वो मानती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ने का फैसला उसकी बीमारी की वजह से लिया होगा। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।